नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहर। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, इसका आइडिया आप ही लोगों से मुझे मिला। बहुत से लोग आते हैं मेरे से, कहते हैं कि जी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, माइंड ब्लैंक हो जाता है या नर्वस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। तो मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च भी करी, इन जो लोगों ने ये समस्या मुझे बताई उनकी जो है मैंने हॉरोस्कोप को स्टडी किया, और भी हॉरोस्कोप्स मैंने स्टडी की, और उसके बाद जो है मैंने जो मेरा उस रिसर्च से जो निचोड़ निकला वो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो मैंने ये देखा कि जिन लोगों को ये समस्या है कि जी वो नर्वस जल्दी हो जाते हैं या आइडिया नहीं आ रहे हैं या जीवन में कहीं रुक रहे हैं, जितनी उनमें पोटेंशियल है उतना उनका उनकी प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पा रही है, तो कौन सा ग्रह है जो कि रोल इसमें प्ले कर रहा है। तो मैंने ये देखा कि मरकरी, बुध जो है इसमें जो है बहुत इस केस में, ऐसे केसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। देखिए चंद्रमा जो है वो है हमारी सोच कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं क्या पहनूं, मैं कब उठूं, मैं कब जाऊं, ये जो है हमारी सोच है। जो हमारे आइडिया है, जो हमारे लॉजिक है, वो जो है वो बुध है, वो मरकरी है। कि अगर आपके दिमाग में एक सोच तो आएगी जी मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं, ठीक है, ये किसका काम है, ये चंद्रमा का काम है क्योंकि उसने सोच दी। अब इस सोच को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सोच को हम लागू कैसे करेंगे और किस तरह से जो है सोच को हम एक सक्सेस में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मरकरी का रोल, बुध का रोल जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। मरकरी को जो है, बुध को जो है वो प्राण भी कहा गया है, प्राणा। हम जो सांस लेते हैं वो भी जो है उसका कनेक्शन भी जो है बुध से आता है। बुध जो है, मरकरी जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष में, हमारे दिमाग को। देखिए जब एक बच्चे की फॉर्मेशन होती है मदर के वूम में, तो जो सबसे पहला ऑर्गन जो बनता है वो स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम होता है, और स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम इन दोनों को जो रिप्रेजेंट करता है वो बुध रिप्रेजेंट करता है। हमारी पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो स्पाइनल कॉर्ड पर निर्भर है। स्पाइनल कॉर्ड पे या नर्वस सिस्टम में कोई भी दिक्कत हो जाए तो हम सही से फंक्शन नहीं कर पाते। तो ये भी मैंने देखा कि जिन लोगों का बुध कमजोर है या जिन लोगों के बुध की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड या नर्वस सिस्टम रिलेटेड भी जो है फिजिकल हेल्थ वाइज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बुध जो है वो दिग्बली होता है लग्न में, बुध और गुरु दोनों। अब देखिए बुध जो है जैसा मैंने कहा वो इंटेलिजेंस है, वो लॉजिक है, और गुरु जो है वो विजडम है, वो ज्ञान है। जैसा मैंने कहा कि ये दोनों ग्रह जो है दिग्बली, जो इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो आती है, जो दिग्बल आता है, जो अगर ग्रह अगर दिग्बली है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो यदि आपका बुध अगर पहले घर में या लग्न में है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मरकरी जो है वो लॉजिक है, इंटेलिजेंस है, गुरु जो है वो विजडम है, वो ज्ञान है। आप सुबह सुबह के समय में देखिए, आप सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सूर्य जो है वो लग्न में होते हैं, वो लग्न में गोचर करते हैं। जैसा मैंने कहा मरकरी, बुध और गुरु जो है वो लग्न में ही दिग्बली होते हैं, तो सूर्य जो है रोज सुबह जो है वो उनके दिग्बली क्षेत्र में जो है वहां से गोचर करते हैं। हम लोग जो स्कूल जाते हैं या जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो सुबह सुबह के समय में ही की जाती है। पहले जमाने में भी जो गुरुकुल होते थे उनमें जो बच्चा जब गुरु के सामने जाता था तो वो उस समय जाता था जब सूर्य उदय हो चुका होता था। आजकल के टाइम पे भी जो स्कूल शुरू होने का टाइम है वो 6 बजे से 8 बजे के बीच का ही है। वो इसीलिए है क्योंकि यही टाइम है जब बुध जो है उनकी जो पावर्स होती हैं, उनकी जो शक्तियां होती हैं वो एकदम अपने पीक पे होती हैं, और यही सही टाइम है हमारे लॉजिक को, हमारे आइडिया को डेवलप करने का। तो जो लोग
मैंने जैसे कहा कि जो लोग इस कहते हैं कि जी हम अटक जाते हैं, या हम जो है नर्वस जल्दी हो जाते हैं, या हमारे काम जो है वो सही से नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते, या हमारे पास आइडिया की कमी होती है, वो लोग जो है इस समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अगर ध्यान लगाएं या प्राणायाम करें, अपनी सांसों पे कंट्रोल करें, अपनी सांसों के मूवमेंट पे ध्यान दें, तो उससे जो है उनका बुध मरकरी जो है वो स्ट्रांग होगा। इससे जो है उनको लॉजिक और उनको आइडियाज जो है वो अच्छे आएंगे। देखिए ज्योतिष जो है वो बहुत सिंपल है, और ज्योतिष जो है उसका बहुत गहरा और बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है योग से, योगा से, जिसमें कि ब्रीदिंग प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयुर्वेदा से, आयुर्वेद जो हमारी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग के बारे में बात करता है। तो ये तीनों चीजें, तो जब आप किसी ग्रह की बात करते हैं तो ये दोनों चीजों को, योग को और आयुर्वेदा को, हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इन सबका ही कनेक्शन होता है। तो आप मानसिक तौर पे तो स्वस्थ हैं और होंगे, उसके साथ साथ फिजिकल तौर पे भी आपको स्वस्थ और अच्छा होना बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए, आपके जीवन में तरक्की के लिए। तो मरकरी को स्ट्रांग करने का देखिए मैंने आपको बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल तरीका बताया है, एंड ये मैंने बहुत लोगों को बताया है और उससे काफी अच्छे उनको रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप जो है प्राणायाम जरूर करें, इससे जो है आपका मरकरी, जो आपका बुध है, वो स्ट्रांग होगा, आपको आइडियाज अच्छे मिलेंगे, आप नर्वस नहीं होंगे। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा प्राणायाम, योग, मरकरी को जो है हम सांस, प्राण, प्राणा कहते हैं, मरकरी को हम प्राण से भी लिंक करते हैं। तो अगर आप अपनी सांसों के मूवमेंट पे ध्यान देंगे, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे अपने ब्रीदिंग पैटर्न को, तो उससे भी जो है आपका मरकरी स्ट्रांग होगा, उससे भी जो है आप में एंग्जाइटी, जैसे बहुत से लोग आते हैं कहते हैं हम बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हैं, या एंग्जाइटी के कारण चिल्लाने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, उनका मरकरी वीक होता है। तो ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ें करने से आपका मरकरी जो है स्ट्रांग होगा, और आपको जो इसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर करिएगा, ये करने से आपका मरकरी जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, उससे आपका लॉजिकल पावर, आपकी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बढ़ेगी। देखिए इंटेलिजेंस सिर्फ बच्चों के स्कूल के परफॉर्मेंस के लिए ही ज़रूरी नहीं होती है, हमें जीवन भर लाइफ में इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है, आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है, उस सब के लिए मरकरी बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा ही, कभी एकदम इमोशनल हो जाएंगे, कभी एकदम हाइपर हो जाते हैं, उनके केस में भी जो है मरकरी वीक है। इमोशन स्टेबल होने चाहिए, तो इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी मरकरी को, बुध को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह के समय में ज़रूर उठें और 6 से 8 बजे तक के बीच में प्राणायाम ज़रूर करें और ध्यान ज़रूर लगाएं। आप ये करके देखिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई एम श्योर आप इससे बेनिफिट होंगे, आप इमोशनली जो है आप ज़्यादा अपने आप को स्टेबल महसूस करें। सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच।